सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को हमारे लेटेस्ट। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते हुए देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधि को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त धन है। मैंने देवता तथा ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन निराहार जितेंद्रिय जितात्मा क्रोध जित सतानंद धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय, जबकि वह दो दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण ये राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ का जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे मां मुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा के यह पाप नष्ट हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि के कहने, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो उसका निवारण प्रायश्चित करने से पाप दूर हो जाता है। लोमस मुनि कहते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस व्रत का पालन करेंगे तो राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित राजा सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और सब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ।
हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्र एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान की।